नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं डोमेन डिटेल्स के बारे में, कि डोमेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि किसी वेबसाइट का क्या स्टेटस है। जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो किस तरह के एरर्स आते हैं, उस एरर से हम क्या समझेंगे, वेबसाइट की डिटेल कैसे लेंगे, ये हम बताते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन ले रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइटों से ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो हमें वेबसाइट की सत्यता को जांचना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट खोला, जैसे मैंने देखिए hotspot.in खोला, तो ये वेबसाइट इस तरह का है। इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट ये रनिंग है, जी नहीं, वेबसाइट रनिंग नहीं है। क्या होता है कि आप कोई डोमेन को परचेज, कोई भी अगर वेबसाइट बनाना होता है तो उसको डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन यूनिक होता है, जैसे कि मोबाइल नंबर, उसका ईयरली रेंट रिचार्ज होता है। तो डोमेन कोई परचेज करता है, तो परचेज करने के बाद क्या होता है कि उसको रीसेलिंग में लगा देता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डोमेन को खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जो ये हॉटस्पॉट डोमेन है, ये डोमेन किसी ने खरीद के इसको सेल में लगा दिया हुआ है। तो ये डोमेन तो रजिस्टर्ड है, डोमेन हमारा ये रजिस्टर्ड है, बट क्या है कि सेल में, आप देख रहे हैं बाय दिस ऑप्शन। तो अगर कोई वेबसाइट खोल रहे हो आप, इस तरह से अगर आता है तो ये समझिए कि ये डोमेन वर्किंग नहीं है, मतलब ये वेबसाइट हमारा वर्किंग नहीं है। किसी ने इस वेबसाइट को इनरोल नहीं कराया है, किसी और ने खरीद के इसको सेल में लगा दिया हुआ है। तो सोए वेबसाइट रनिंग नहीं है। दूसरा, वेबसाइट जो रनिंग होता है तो इस तरह का उसके मैटर्स होते हैं, उससे रिलेटेड मैटर होते हैं, लेकिन तो पता चल जाता है। दूसरा है कि वेबसाइट, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा कांट रजिस्टर, दिख रहा है आपको, दिस साइट कांट रजिस्टर आईपी एड्रेस नॉट फाउंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटरनेट खराब, यहाँ पे दिख रहा है ना इंटरनेट प्रॉब्लम, नहीं, ये वेबसाइट जो है, जैसे मेरा ही वेबसाइट है सुजीत कुमार, मैंने इसको रिन्यूअल नहीं कराया, मैं भूल गया, मैंने इसको रिन्यूअल नहीं कराया। तो इसने जो वेबसाइट प्रोवाइडर है उसने क्या किया है, वेबसाइट को रीसेल, क्योंकि किसी ने खरीद के उसको रीसेल में नहीं लगाया हुआ है, वेबसाइट पड़ा हुआ है, अब मैं इसको रिन्यूअल करा लूंगा तो मेरा चल पड़ेगा। तो इसने क्या किया है कि आईपी एड्रेस जो है हमारा, उससे इसका लिंक तोड़ दिया है, इनएक्टिव कर दिया है वेबसाइट। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो वेबसाइट बना है, डोमेन जो बना है, वो उसका डेटा कहीं ना कहीं होस्ट होता है, सेव होता है किसी पीसी में, किसी सर्वर पे। तो वेबसाइट डोमेन होती है, वेबसाइट और डेटा का जो है, उसका डोमेन और सर्वर के बीच का जो लिंक है, उसने उसको ब्रेक कर दिया हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि यही होगा, अब क्या है कि एरर सिमिलर होते हैं। अब जैसे ये देखिए, मैंने ऐसे ही कुछ कुछ डाल दिया तो उसमें भी सेम एरर दे रहा है, मतलब ये वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं ऐसे ही डॉट कॉम डाल दिया। तो ये दोनों में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस तरह के एरर आपके पास आते हैं तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपको वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट की डिटेल पता करनी, जैसे मेरी वेबसाइट की आपको डिटेल पता करनी हो, तो मैं यहाँ पे www.google, सॉरी गूगल नहीं, मान लीजिएगा IPT, कौन सी वेबसाइट है, ये है whois.net। आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे ना डोमेन डिटेल्स, तो भी आपको लिस्ट, सर्च लिस्ट आ जाता है। अब जैसे कि इस पे हमने अपनी वेबसाइट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आ गए, डोमेन नेम आईपीटी इंडिया, डोमेन रजिस्ट्री आईडी यहाँ से रजिस्ट्री की गई है, रजिस्टर सर्वर कौन सा है, ये है हमारा जो मेंटेन करता है networksolution.com। अपडेटेड डेट कब परचेज, मतलब कि कब शुरुआत, सबसे पहला क्रिएट कब हुआ था 2013 में, उससे पहले मेरा एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग .com था, मैं नाम चेंज किया था। उसके बाद सेकेंड परचेजिंग हमने 2018 में किया था, यह आ गया। एक्सपायरी कब है, 2021 में है, रजिस्टर कौन सा है, नेटवर्क सॉल्यूशन LLC आईडी इंडिया की आईडी है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट ईमेल है, जिससे हम रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है उसका कॉन्टेक्ट फोन नंबर है, ये तो रजिस्टर्ड का हो गया।
सर्वर कौन सा है? देखिए होस्टिंग राजा डॉट इन पे मेरा सर्वर है, वहाँ पे इसका यूज किया गया है। स्टेटस ओके है, जो वर्क कर रहा है। उसके बाद ये आपका ईवेल से रिलेटेड है, ये तो हो गई इसकी इंफॉर्मेशन, नोटिस आ गया। दिक्कत आया कि ये तो इंफॉर्मेशन आपको दे दी लेकिन वेबसाइट का होस्ट अभी से लग रहा है यहाँ पे, इसमें जो है डिटेल इसमें पूरी नहीं दी है। पहले इसमें क्या होता था कि जो डोमेन प्रोवाइडर है मतलब उसका नाम वगैरह हर चीज आया था। डोमेन डिटेल्स यहां भी हम रख सकते हैं, यहां से भी आ जाता है डिटेल्स। हाँ देखिए अब पूरी डिटेल्स इस वेबसाइट पर आपको दिख गई। ये तो आपका रजिस्टर इन्फो हो गया, यहाँ पे डेटा इम्पोर्टेंट डेट्स हो गए हैं कब कब हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेम सर्वर हो गया कि हम इस हमारा वेबसाइट किस आईपी एड्रेस पे है। सिमिलर यहाँ पे बोला है कि ये चीज़ें भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर डेटा, रजिस्टर कॉन्टेक्ट मेरा नेम हमारा, देखिए मेरा नाम आ रहा है सुजीत कुमार, मेरा एड्रेस है पूरा का पूरा, ठीक है। पोस्टल कोड, मेरा मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ मोबाइल नंबर भी पता चल जा रहा है, ईमेल आईडी भी पता चल रहा है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं ही हूँ तो मेरा पूरा ईमेल आईडी सब कुछ पता चल रहा है, टेक्निकल कॉन्टेक्ट भी मैं ही हूँ तो देखिए पूरा निकल रहा है। तो किसी भी वेबसाइट के बारे में आप यहाँ पता कर सकते हैं कि वेबसाइट आखिर यूज कौन कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट और है hkc.co.com, मैं उसको सर्च करता हूँ तो आप यहाँ भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो याद रखिएगा अगर आपको किसी वेबसाइट पे शक है या किसी वेबसाइट ने आपके साथ कुछ किया है तो आप इसका जो है इंफॉर्मेशन आप यहाँ से उठा लीजिए, आपको वहाँ हर एक नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और उसको आप कॉल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ आप मेरे साथ एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एडवांस एक्सेल, वीवीएम मैक्रो, पावर बीआई, टैब टू, गूगल शीट्स, एसक्यूएल सर्वर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ आपको कराएंगे जो कि आप इसमें कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी स्काइप कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर बने रहें और डेली 15 से 20 वीडियो का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।